हेलो दोस्तों, अनीताज रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एकदम यूनिक स्टाइल का झटपट बनने वाला बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पास्ता नमकीन। बनाना बहुत आसान है दोस्तों, आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। ये है एक कटोरी पास्ता। अब पास्ता के जगह पे मैक्रोनी से भी इस नमकीन को बना सकते हैं। ये सूजी का पास्ता है तो ये हेल्दी भी है। आप कोई सा भी पास्ता ले सकते हैं, गेहूं का आटे का भी आता है, मैदा का भी आता है, आपको जो पसंद है उसे आप ले सकते हैं। अभी पास्ता हमें बॉयल कर लेना है। एक कढ़ाई में 2 ग्लास पानी बॉयल कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है, अब इसमें डाल देंगे ये पास्ता। पानी में अच्छे से उबाल आने के बाद ही पास्ता डालिएगा, नहीं तो ये मैसी मैसी सा हो जाएगा। अब इसमें 1/2 ढक्कन लगा देंगे ताकि जल्दी पक जाए। अब इसे 7 से 8 मिनट पकने देंगे और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो पास्ता तले में चिपक जाएगा। और फ्लेम मीडियम रखेंगे। पास्ता पकते लगभग 8 मिनट हो गया है, अब गैस ऑफ कर देंगे। पास्ता हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, बस 80% पक जाए इतना ही इसे पका लेना है। अब इसे तुरंत ही छन्ना में छान लेंगे। कोई भी एक छन्ना ले लेंगे और इसमें ये सारा पास्ता डाल देंगे। अब इसमें तुरंत ही ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये ओवर कुक ना हो। खूब अच्छे से इसे ठंडा कर लेना है। और ये देखिए, पास्ता में पानी डालकर अच्छे से ठंडा कर लिए हैं। एक पास्ता चेक कर लेते हैं। ये देखिए, जब इसे दबा रहे हैं तो ये दब रहा है, सॉफ्ट हुआ है, खूब मैसी सा नहीं हुआ। देखिए, दबाने के बाद भी ये दब नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। बस इसी तरह का इसे बॉयल करना है और इस तरह से छन्ना में एक बार चला देना है ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। पास्ता से सारा पानी निकाल दिए हैं। पास्ता रख लेंगे एक बड़े साइज के बर्तन में। नमकीन को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप आरारोट भी ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और आरारोट और मैदा कितना डालना है ये फिक्स नहीं है। इसमें एक अच्छा सा कोटिंग आ जाए और पानी सारा सूख जाए इतना मैदा और आरारोट इसमें डाल देंगे। पहले इसे मिक्स कर लेते हैं, अगर जरूरत होगा तो और डाल लेंगे। थोड़ा सा गीला गीला सा लग रहा है तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 चम्मच मैदा और डाल लेंगे। और ये देखिए, मैदा और कॉर्नफ्लोर अच्छे से कोट हो गया है, एकदम ड्राई ड्राई सा हो गया है। बस अब इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे। अब एक छन्ना लेंगे और इसमें इसे छान लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मैदा और कॉर्नफ्लोर होगा वो छन जाएगा। इस तरह से झाड़ लेंगे। अभी पूरा नहीं छान रहे हैं, फ्राई करते जाएंगे और छानते जाएंगे। आप चाहें तो इसे एक बार में पूरा छान कर भी रख सकते हैं। अब कढ़ाही में तेल गरम करेंगे और फ्लेम मीडियम रखेंगे। तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब इसमें डाल देंगे ये पास्ता। अभी 2 मिनट इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। अभी चलाएंगे तो पास्ता टूटने लगेगा। 2 मिनट पास्ता फ्राई होते हो गया है, अब इसे इस तरह से चलाएंगे। आप इसे बारिश के मौसम में चाय के साथ सर्व कीजिए, सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे आपको मेरी नए नए और आसान रेसिपीज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब इसे चलाते हुए हल्का गोल्डन होने तक फ्राई होने देंगे। और मैंने पास्ता का और भी कई तरह का रेसिपी बनाया है दोस्तों, जिसका लिंक आपको आई बटन पे आ रहा होगा। और ये देखिए, पास्ता अच्छे से फ्राई हो गया है, हल्का गोल्डन कलर आ गया है। अब इसे निकाल लेंगे, इस तरह का झारा में निकालेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। इसे एक बार इस तरह से झाड़ लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और ये देखिए, इसका आवाज देखिए दोस्तों, कितना क्रिस्पी बना है। और इसी तरह से बचा हुआ पास्ता फ्राई कर लेंगे। सारा पास्ता फ्राई करके एक बर्तन में निकाल लिए हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे ही सादा नमक थोड़ा सा डाल दीजिए और इसे सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगेगा।
हम इसे थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे तो उसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। मसाला में लेंगे 1/2 टीस्पून सादा नमक, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा काला नमक, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च तीखा नहीं होता है, बस हल्का हल्का सा टेस्ट आएगा और नमकीन का कलर भी सुंदर दिखेगा। 1 टीस्पून लेंगे चिली फ्लेक्स, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। 1/2 टीस्पून चाट मसाला। अब इन सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं, या इसमें कोई भी मसाला आपको पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। आप इसमें पुदीना का पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरा छोटा बेटा पुदीना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसलिए हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो इसे जरूर डालिएगा। चटपटा और टेस्टी मसाला बनके तैयार है। अब इसे डालेंगे नमकीन में, तो पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और अभी पास्ता गरम है तो गरम गरम पास्ता में इसे डाल लेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए। इस तरह से चलाएंगे ताकि पूरे पास्ता में अच्छे से मिक्स हो जाए। टेस्टी और क्रिस्पी पास्ता नमकीन बनके तैयार है। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के स्टोर कर लीजिए और बच्चों को बड़ों को कभी भी आप खिला सकते हैं। बच्चे कुरकुरे और लेज खाना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें ये नमकीन बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा टेस्टी सा और क्रिस्पी स्नैक्स कैसा लगा। आप भी इस तरीके से बनाइए दोस्तों और पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए।